हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास इंग्लिश। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर चैप्टर नंबर 1, द फन दे हैड। एंड दिस चैप्टर इज टेकन फ्रॉम योर क्लास 9 एनसीईआरटी बीहाइव बुक। सो हरी अप, ओपन योर बुक्स बीहाइव, पेज नंबर 5, द फन दे हैड। बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शिल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। ये जो स्टोरी है, ये जो चैप्टर की स्टोरी है, वो फ्यूचर को माइंड में रख करके बनाई गई है। ठीक है, वैसे स्टोरीज आप सुनते हो वो पास्ट ही होती हैं, बट इस चैप्टर की जो स्टोरी है वो आने वाले फ्यूचर को माइंड में रख करके बनाई गई है। ठीक है, हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, कि तब जो है बच्चे कैसे पढ़ते थे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज, और जो फ्यूचर में जब बच्चे पढ़ेंगे तो वो कैसे पढ़ेंगे। नीचे आपको बुक में डायग्राम दिया गया, आप उसको डायग्राम को देख करके जजमेंट भी कर सकते हो। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कि बच्चे फ्यूचर में कैसे पढ़ेंगे, कंप्यूटर्स के थ्रू पढ़ेंगे। वर्चुअल क्लासेस होंगे, ठीक है, या फिर रोबोटिक टीचर होंगे। मूविंग ई एग्जिस्ट, ई टेक्स्ट, मतलब आप तो आज बुक से पढ़ रहे हो, तब जब कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है वो टेक्स्ट जो होगा वो सारा कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा और वो मूव करता होगा। ठीक है, मींस बुक्स की नीड नहीं होगी। ये फ्यूचर की बात है कि फ्यूचर में बच्चे हो सकता है ऐसे पढ़े। इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। आप जो है पेयर्स में डिस्कस भी कर सकते हो ऐसी 3 चीजें जिसे आपको बहुत पसंद है स्कूल के बारे में। ठीक है, एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, और ऐसी 3 थिंग्स के बारे में डिस्कस कर सकते हो जिन्हें आप चेंज करना चाहते हो। राइट देम डाउन, उन्हें लिख भी सकते हो। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन, क्या आपने कभी वर्ड्स को रीड किया है टेलीविजन पे या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर, क्या आप उस टाइम को इमेजिन कर सकते हो जब सारी बुक्स आपके कंप्यूटर के ऊपर होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कोई ऐसी बुक नहीं होगी जो ऐसे पेपर के ऊपर प्रिंट हो जैसे आज है। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या तुम्हें जो है वो बुक्स जो है बेटर लगेंगी। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, मार्गी ने जो है ये सब उस रात अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज हैडेड 17 May 2157, और उस पे डायरी के ऊपर डेट क्या डाली, 17 May 2157। आज कौन सा चल रहा है, अब 2021 चल रहा है, तो ये 2157, ठीक है, उसकी बात हो रही है, मींस फ्यूचर की। शी रोट टूडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, और उसने अपनी डायरी में क्या लिखा कि आज टॉमी को जो है एक रियल बुक मिली। क्यों, क्योंकि उन्होंने तो कभी रियल बुक देखी नहीं है। फ्यूचर की बात करें, उन्होंने तो कंप्यूटर स्क्रीन पर ही बुक्स देखी है। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, और वो कैसी थी, बहुत पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंड फादर वंस सेड that when he was a little boy his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। तो अब मार्गी बता रही है कि एक बार उनके दादाजी ने, ग्रैंडफादर ने बताया था उन्हें कि जब वो छोटे बच्चे थे, लिटिल बॉय थे, उनके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ने उनको बताया था कि एक टाइम था जब सारी स्टोरीज जो है वो पेपर के ऊपर प्रिंट हुआ करती थी। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड Crinkly and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen। तो अब जब उन्होंने जो वो पेज था उसको टर्न करा, देखा वो बहुत ही पीला पड़ा हुआ था, बहुत पुराना पेज था, और क्रिंकली जैसे होता है ना, एक पेज को हम मोड़ देते हैं मुट्ठी में रख करके, कैसे उसके ऊपर जो है निशान से पड़ जाते हैं, सेम वो पेज जो है वो क्रिंकली मोड़ा टूटा हो रखा था, और वो देखने में भी बहुत अजीब लग रहा था, और उसके ऊपर जो वर्ड्स थे वो बिल्कुल रुके हुए थे। ठीक है, और पढ़ने में भी बिल्कुल फनी सा लग रहा था। सपोज टू ऑन अ स्क्रीन यू नो, और वो जो किस पे पढ़ते थे, जो आज के टाइम पे जो 2157 के जो बच्चे हैं, 2157 वो तो स्क्रीन पर पढ़ते थे, तो उनके लिए जो प्रिंटिंग पेपर था उनके लिए बहुत फनी सा, अजीब सा था। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, और फिर वापस से जब उन्होंने पहले वाला पेज को टर्न करा, वापस से उसके ऊपर वही के वही वर्ड्स लिखे हुए थे। उनका कहने का मतलब है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर वर्ड्स तो मूव करते हैं, उन पर मूव ही नहीं
हो रहे थे, पिछला पेज पलटो तो वापस के वापस वही वर्ड्स लिखे हुए थे, दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। और अगर हम इस पेज को वापस से टर्न करें तो वही वर्ड्स लिखे होंगे जो हमने पहले पढ़े हैं, फर्स्ट टाइम पढ़े हैं सेम। उनको भी ये सब चीजें जो है अजीब लग रही थी जब उन्हें बहुत ही पुराना पेपर मिला और उन्होंने पढ़ा। गी सैड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, कितनी, टॉमी ने कहा कि कितना बेकार है ये। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, जब तुम बुक के साथ थे तुमने इसे जो है फेंक दिया होगा। आई गेस, मुझे ऐसा लगता है आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, और हमारी टेलीविजन स्क्रीन की स्क्रीन पर तो मिलियन ऑफ बुक्स हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इससे भी ज्यादा और टेलीविजन स्क्रीन पर आ सकती हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं तो अपनी उन बुक्स को कभी नहीं फेंकता। सेम विद माइंड सेट मार्गी, मार्गी ने कहा मेरे साथ भी ऐसा ही है। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। अब जो मार्गी थी वो 11 ईयर्स की थी, ठीक है, और उसने जो है इतनी टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी के पास थी। ही वॉज 13, टॉमी जो है वो 13 ईयर्स का था। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, अब मार्गी ने पूछा कहाँ से मिली है तुम्हें ये। इन माय हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। अब वो जो है एटिक का मतलब होता है एक रूफ के नीचे छोटा सा स्पेस होता है जिसे स्टोर रूम बोला जाता है, वहां पर चीजें रखी जाती हैं। तो अब जो टॉमी था वो बुक रीडिंग में इतना बिजी था कि उसने मार्गी ने जब पूछा कि तुम्हें ये कहां से मिली, उसने बिना देखे ना बुक रीडिंग करता रहा और ऐसे हाथ कर दिया कि भाई मुझे यहीं से मिली है, बिना मतलब देखे उसने एटिक की तरफ इशारा कर दिया कि मुझे यहां से मिली है। व्हाट इट्स अबाउट, और तब मार्गी ने पूछा कि ये किसके बारे में, उसने बोला स्कूल, किस स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल स्कूल, अब मार्गी को जो है स्कूल से नफरत थी, उसने बड़े नफरत भरे अंदाज से बोला कि स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, कि अब स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है इसमें। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, मार्गी जो है वो हमेशा स्कूल से नफरत करती थी बट अब वो और भी ज्यादा नफरत करने लगी थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, क्यों, क्योंकि जो उसके मैकेनिकल यानी कि जो रोबोटिक टीचर थे वो मार्गी को जो है ज्योग्राफी में एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट दिए ही जा रहे थे। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसके ज्योग्राफी के जो टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे थे और मार्गी जो थी वो उस पर वो बुरे से बुरा टेस्ट अटेम्प्ट करे जा रही थी, ठीक है। फिर उसकी मदर ने क्या करा, उसके दुख भरे हुए जो उसका हेड था जो सिर था उसको हिलाया और उसे जो है मार्गी को काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दिया। ही वॉज अ राउंड लिटल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और जो काउंटी इंस्पेक्टर थे वो एक छोटे से, ठीक है, राउंड गोल छोटे आदमी थे और उनका फेस था रेड और उनके पास क्या था, वो एक पूरा होल बॉक्स था जिसमें टूल्स थे वायर्स थी। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, उन्होंने क्या करा मार्गी को देख करके स्माइल करा और उसे एक एप्पल दे दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर वो जो है थोड़े से अलग हो गए। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। तो मार्गी को लगा कि इनको कुछ नहीं पता, इनको कुछ भी ठीक करना नहीं आता, जो उसके काउंटी इंस्पेक्टर थे मार्गी के, बट वो जो है सब कुछ जानते थे। करीबन एक घंटे के बाद उन्होंने जो है सब कुछ वापस से ठीक कर दिया। फिर मार्गी के सामने एक बड़ी सी काली सी गंदी सी स्क्रीन वापस से आ गई, ठीक है, जिसमें जो है वापस से सारे लेसन दिखाई देने लग गए और फिर वो जो है उन्होंने क्वेश्चन पूछने लग गए। दैट वॉज नॉट सो बैड, वो इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मैगी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लोप वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। तो अब जो मार्गी है वो फ्यूचर में ये बात कर रखे हैं, वो होमवर्क करते होंगे तो कहाँ देते होंगे, जो उनकी कंप्यूटर स्क्रीन है उसके वहां एक स्लॉट लगा हुआ था जहां पर मार्गी को जो है अपना सारा होमवर्क जो है वहां पर रखना होता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम
out in a punch coat they made her learn when she was 6 years old and the mechanical teacher calculated the marks in no time. अब जितना भी काम मार्गी करती थी कंप्यूटर पे वो कोड्स में किया करती थी, ठीक है, और उसने जो है ये कोड, जैसे आप कंप्यूटर में बाइनरी सिस्टम कोडिंग सीखते होगे या पढ़ा होगा, ठीक है, सेम ऐसे जो मार्गी थी कंप्यूटर में जो काम किया करती थी वो कोडिंग में किया करती थी, और मार्गी ने ये कोडिंग में काम करना जब वो 6 साल की थी तब से सीख लिया था, और उसके मैकेनिकल टीचर्स जो है उसके मार्क्स उसे 10 बता देते थे, जैसे आपके भी आते हैं ना टेस्ट मोड्स के ऊपर एग्जाम दिया होगा तो आपके जो मार्क्स है वो उसी टाइम शो हो जाते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर, ऐसे ही मार्गी को जो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो उसी टाइम मार्क्स शो हो जाते थे. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैकेड मार्गीज हेड. जो इंस्पेक्टर था उसने जो है स्माइल करा जब मार्गी ने जो है जब उसने अपना फिनिश कर लिया, फिर उसने जो है मार्गी के सिर के ऊपर हाथ रखा. ही सैड टू हर मदर एंड इट्स नोट द लिटिल गर्ल्स फोन मिसेस जोन्स. तो अब जो आए हुए थे कंप्यूटर को ठीक करने, ठीक है, काउंटी इंस्पेक्टर जो आए हुए थे उन्होंने उसकी मदर को बोला कि ये मार्गी की गलती नहीं है. मिसेस जोन्स आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. मुझे लगता है ये जो ज्योग्राफी सेक्टर था कंप्यूटर स्क्रीन पर ये बहुत ही जल्दी जल्दी चल रहा था जिसकी वजह से मार्गी के पास बार बार टेस्ट आ रहे थे और वो जो है गंदे मार्क्स स्कोर कर रही थी या फिर बुरे से बुरा कर रही थी. Those things happen sometimes. कभी कभी ये चीजें हो जाती हैं. I have slowed it up to an average 10-year level. मैंने जो है अब इस कंप्यूटर स्क्रीन को थोड़ा सा स्लो कर दिया है जो कि एक 10 साल के बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग होता है. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. वैसे जो मार्गी की ओवरऑल जो प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्ट्री है. एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन. और फिर वापस काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी के सिर पर हाथ रखा. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. अब मार्गी जो थी वो मायूसी होगी. शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टूगेदर. अब उसको लग रहा था कि जो काउंटी इंस्पेक्टर आए हैं वो टीचर को भी जो है साथ में ले जाएंगे. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली. तो एक बार हुआ क्या था, जो मार्गी का ब्रदर है टॉमी उसके भी कंप्यूटर स्क्रीन खराब हो गई थी, पूरी की पूरी ब्लैक हो गई थी, जिसकी वजह से एक महीने तक उसके जो है किसके टीचर, उसके हिस्ट्री के टीचर जो है वो दिखाई नहीं दिए थे. और उसको लगा कि जैसे टॉमी के हिस्ट्री टीचर गायब हो गए थे एक महीने के लिए, अकाउंटिंग इंस्पेक्टर जो है मेरे भी टीचर को साथ ले जाएंगे. सो शी सेड टू टॉमी व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. फिर अब उसने जो है टॉमी से कहा कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा. टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज. अब टॉमी ने क्या करा, मार्गी को बड़ी बड़ी आंखों से देखा. बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. अब टॉमी ने कहा क्योंकि वो हमारी तरीके के स्कूल नहीं होते थे स्टूपिड. दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड एंड हंड्रेड ऑफ इयर्स अगो. ये पुराने टाइप के स्कूल थे, सैकड़ों सैकड़ों साल पहले के स्कूल. ही एडिट लोक क्लियर. उसने जो है उसको उस चीज को बहुत हाई बताते हुए बोला, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली. और बड़े ध्यान से वर्ड को प्रोनाउंस करा, सेंचुरीज अगो, कि इतने साल पहले. मार्गी वॉज हर्ट. अब मार्गी को बुरा लगा. वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. क्यों, क्योंकि वो कहती है मुझे नहीं पता कि उस टाइम पे किस तरीके के स्कूल हुआ करते थे. शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल देन सैड एनीवेज दे हैड अ टीचर. फिर मार्गी ने क्या करा, उसके शोल्डर पर जो है बुक रख करके पढ़ा, ठीक है, और फिर वो बोली कि कुछ भी कहो टीचर तो उनके पास भी थे पुराने टाइम के पास. श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. तो टॉमी ने कहा हाँ वो टीचर थे बट वो रेगुलर टीचर नहीं थे, वो इंसान थे, वो आदमी हुआ करते थे. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. तो मार्गी ने कहा आदमी, एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है. वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस. तो अब टॉमी बता रहा है हाँ वो जो है बॉयज और गर्ल्स से जो है गर्ल्स को चीजें भी देते थे और उनसे क्वेश्चंस भी पूछते थे. अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ. तो मार्गी कह रही है एक मैन इतना स्मार्ट तो नहीं हो सकता. श्योर ही इज माय फादर नोज एज मच एज माय टीचर. तो अब
टोमी कह रहा है कि नहीं हो सकता है क्योंकि मेरे फादर भी जो है उतना ही जानते हैं जितना कि एक टीचर जानता है. ही नोस ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा. मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वो जो है उनसे भी ज्यादा जानते हैं. मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. अब मार्गी जो है वो टॉमी से झगड़ा नहीं करना चाहती थी. शी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी. मार्गी ने कहा मैं नहीं चाहती कि कोई अजीब सा आदमी मेरे घर पे आए और मुझे पढ़ाए. टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर यू डोंट नो मच मार्गी. अब टॉमी जो है बहुत जोर से हंसा और मार्गी को बोला तुम कुछ भी ज्यादा नहीं जानती. द टीचर्स डिड नॉट लीव इन द हाउस. टीचर जो है वो घर में थोड़ी ना रहते थे. दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल किड्स वेंट देयर. उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी टीचर्स की और सब बच्चे वहां पर जाया करते थे. एंड ऑल द काइंड्स किड्स लर्न द सेम थिंग. और सारे बच्चे एक ही चीज सीखा करते थे. श्योर इफ दे वर द सेम एज. उसने कहा हाँ अगर वो सेम एज के बच्चे थे तो वो सेम चीज एक ही चीज सीखा करते थे. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज टू बी टोट डिफरेंटली. तो वो कहती है लेकिन मेरी मम्मा तो कहती है कि हर बच्चे को उसके माइंड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके पढ़ाना चाहिए. बट हर बच्चे को जो है डिफरेंट वे से पढ़ाना चाहिए जिस तरीके का बच्चे का माइंड होता है. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन. और उसने कहा कि उस टाइम पर वो इस तरीके से तो नहीं करते थे कि हर बच्चे को अलग से पढ़ा सके उनके माइंड से. इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. अगर तुम्हें नहीं पसंद है ये सब तो तुम्हें बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है. टॉमी ने बोला मार्गी से. आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट. मार्गी सेड क्विकली. मार्गी ने कहा मैंने यही नहीं कहा कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल. क्योंकि मार्गी जो है उस मार्गी के लिए जो उस टाइम के फनी स्कूल थे वो उनके बारे में पढ़ना चाहती थी. दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल. अभी वो बुक आधी भी खत्म नहीं हुई थी इतने मार्गी की मम्मी ने उसको आवाज लगा दी. मार्गी स्कूल हाई स्कूल का टाइम हो गया. मार्गी लुक्ड अप. मार्गी ने देखा नो गेट मम्मा नहीं मम्मी अभी नहीं. नाउ सैड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. तो मिसेस जोन्स ने कहा कि अब जो है टॉमी के लिए भी टाइम हो गया है. मार्गी सैड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. अब मार्गी ने टॉमी को कहा क्या मैं बुक को और पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद. मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली. ही वॉक अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक बीनीथ हिज आर्म. तो उसने कहा हाँ ठीक है पढ़ लेना. वो जो है अपना सीटी बजाता हुआ बुक को आर्म में रखता हुआ वहां से चला गया. मार्गी वेंट इन टू द स्कूल रूम. अब मार्गी जो है वो स्कूल रूम में गई. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. और मार्गी का स्कूल रूम कहाँ था? बिल्कुल उसके बेडरूम के साथ वाला रूम ही मार्गी का स्कूल रूम था. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. और मैकेनिकल टीचर थे वो स्क्रीन पर आए हुए थे और मार्गी का इंतजार कर रहे थे. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे और संडे. और जो उसके टीचर थे मैकेनिकल टीचर वो बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर आ जाते थे सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़ करके. बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. क्योंकि मार्गी की मदर कहती है कि छोटे बच्चे जो छोटी लड़कियां होती हैं वो अच्छे से सीख सकती हैं अगर वो जो है डेली रेगुलर आवर्स में स्टडी करें तो. द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. अब जो है स्क्रीन जल गई थी मतलब ऑन हो गई थी ठीक है. और जो है अर्थमेटिक के जो टीचर उन्होंने बोला कि अर्थमेटिक लेसन है आज एडिशन करना है किसका प्रॉपर फ्रैक्शंस के ऊपर. प्लीज इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. अब तुम एक काम करो अपना कल का होमवर्क जो है जो कंप्यूटर स्क्रीन के वहां स्लॉट दी गई थी वहां पर डाल दो. मार्गी डिड सो विद अ साय. मार्गी ने जो है सांस लेते हुए ऐसा किया. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज ए लिटिल बॉय. अब मार्गी का ध्यान कहां था? उस स्कूल के बारे में सोच रही थी कि पुराने स्कूल हुआ करते थे उनके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर के टाइम पे जब वो छोटे बच्चे थे. ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबर हु केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम. अब वो सोच रही है कि सारे बच्चे पड़ोस के भी बच्चे अपना मजे से हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल में आते थे इकट्ठे स्कूल रूम में एक साथ बैठा करते थे. Going home together at the end of the day. और छुट्टी के टाइम पर एक साथ घर जाया करते थे.
They learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about. अब वो सब एक जैसी चीजें सीखते थे तो वो जो है एक दूसरे की होमवर्क में हेल्प भी करते होंगे, आपस में बात भी करते होंगे. एंड द टीचर्स वर पीपल. वो टीचर कौन थे? टीचर तो लोग हुआ करते थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. अब मैकेनिकल टीचर जो था वो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा था. व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 and 1/4. अब वो बेचारा मैकेनिकल टीचर पढ़ा रहा है कि जब हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं 1/2 and 1/4. लेकिन मार्गी जो थी वो पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी. मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट How the kids must have loved it in old days. मार्गी सोच रही है कि कैसे जो है old days में जो है बच्चे अपने school जाने को कितना अच्छा लगता होगा ना उन्हें school जाना. She was thinking about the fun they had. मार्गी ये सोच रही है कि जब वो school जाते थे तो कितना fun करते थे, मजा करते थे, enjoyment करते थे. तो students, that's it for today's video. We will meet again in our next video. Till then, bye. Take care.